झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सिलसिला बाजारों का में आपका स्वागत है। बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटी की, किस कॉमोडिटी में तेजी और मंदी देखने को मिल रही है या किस कॉमोडिटी में आप आगे कारोबार करके चल सकते हैं, और इन सब पे ज्यादा जानकारी के साथ मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे जानेंगे कि किस कॉमोडिटी में क्या कुछ करके आगे चले। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्ड सिल्वर से नॉन एग्री कॉमोडिटी में। तो बता दें कि आज सोना 51,359 पर ही कारोबार करता दिखा है और इसमें तेजी भी देखने को मिली है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी 56,000 से ज़्यादा पर ही ट्रेड करता दिखा है, पर इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है कि सोने चांदी का बाज़ार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, कल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सोने और चांदी में भारी गिरावट जो है देखने को मिली है। कल आज उसमें गिरावट है और वो 51,000 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल डॉलर में तेजी जो है वो देखने को मिली है और डॉलर जो है अपने 20 साल के हाई पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड में ऊपरी स्तरों पर गिरावट आते हुए देखी और $1,800 जो एक अहम सपोर्ट था उसको ब्रेक कर गोल्ड आज 1700 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर माना ये जा रहा है कि अभी जो करेक्शन आई है मार्केट के अंदर, एक अच्छी रैली जो आप कह सकते हो कि निचले स्तरों पर बनती हुई दिखाई दी और $1,760 पर गोल्ड जो है पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और $1,760 अब एक अहम सपोर्ट, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 1740 से 1720 तक की गिरावट बढ़ सकती है। दरअसल जिस तरीके से अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है और जो ग्लोबल स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है उसके चलते हम देख रहे हैं कि रुपए में लगातार कमजोरी बनती दिखाई दे रही है और डॉलर जो है वो बहुत मजबूत हो रहा है और उसका असर हमारा जो है इंटरनेशनल कमोडिटीज के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सोना और चांदी ऊपरी स्तरों से फिसल चुके हैं और यही हाल कच्चे तेल का भी है। तो अभी लग रहा है कि फिलहाल बाजार $1,760 को होल्ड करता है तो बाउंस बैक आ सकता है, अदरवाइज 1740 से 1720 तक की गिरावट आ सकती है। शॉर्ट टर्म रैली है, लॉन्ग टर्म अभी भी मार्केट काफी पॉजिटिव है। सोना और जो 51,000 के घरों में अगर आ जाता है 51,000-50,800 तो वो काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल होंगे बाइंग के लिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में ये लेवल्स भी ओके अच्छे हैं बाइंग के लिए और अगर इसे नीचे थोड़ा और फिसलता है तो वहां पर भी अगेन बाइंग की जा सकती है फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। शॉर्ट टर्म में अभी करेक्शन है और मार्केट थोड़ा बहुत और करेक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आप सोने चांदी में बाइंग करके चल सकते हैं। रूपा जी, अगर बात करें कच्चे तेल की तो कच्चा तेल आज बता दें कि 7,925 पे ट्रेड करता दिखा है और इसमें 144 रुपए की तेजी भी देखने को मिली है, तो कच्चे तेल का बाजार आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, कच्चे तेल का मार्केट भी लुढ़का है कल के कंपैरिजन में अगर देखें तो, कल 8,000 के ऊपर था तो आज 8,000 के नीचे हम इसको कारोबार करते हुए देख रहे हैं और यहाँ पर ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी होते हुए नजर आई है और इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड जो है वो $100 के नीचे लुढ़क चुका है। अब $100 एक अहम सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से $98 से लेकर $96 तक की गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। और क्रूड में देखिए दो तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि अगर रूस जो है प्रोडक्शन को बंद कर देता है या प्रोडक्शन को कम कर देता है 3 मिलियन के आसपास, अगर वो डेली बेसिस पर बंद कर देता है तो इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है और बाजारों में एक बार फिर से कच्चे तेल में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर जो जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है और काफी देशों ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं और रूस अगर सप्लाई देनी बंद कर देता है तो हाहाकार मच सकता है और इसके चलते तेजी का रुझान बन सकता है। वहीं दूसरी रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते डिमांड जो है वो इम्पैक्ट होती हुई नजर आ सकती है और कच्चे तेल की कीमतें ऊपरी स्तरों से नीचे लुढ़कती हुई भी दिखाई दे सकती है। तो बहरहाल दोनों ही स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर टेक्निकली लेवल्स की अगर बात कर ले तो $92 के आसपास जो है एक बार कच्चा तेल विदेशी बाजारों में हो सकता है कि सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे अगर $98 नीचे में ब्रेक कर देता है, अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है आ सकता है और वो भी $100
के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आएगी तभी कच्चे तेल में आप तेजी बनती दिखाई देगी। शॉर्ट टर्म रैली में कच्चा तेल भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स कच्चे तेल का भी अभी पॉजिटिव है। नीचे में अभी 7920 के बाद 7860 तक नीचे फिलहाल गिरावट बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी आज तेजी देखने को मिली है। नेचुरल गैस 446 पर कारोबार करता दिखा है, तो नेचुरल गैस के जो बात करें तो नेचुरल गैस का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, क्या इसमें आगे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए नेचुरल गैस में भी अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस में भी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी हुई है और अब ये बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है, और मुझे लगता है कि यहाँ से नेचुरल गैस जो है वो बिकवाली की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, अगर बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो जिंक हो, एल्यूमिनियम हो या सिल्वर है, तीनों ही कमोडिटी में मतलब की गिरावट देखने को मिली है। जिंक की बात करें तो ये आज 267 पे कारोबार करता दिखा है, तो आपको क्या लगता है कि बेस मेटल का बाजार आगे उठ सकता है या ये गिरावट जो है वो जारी रहेगी? देखिए अभी बेस मेटल में भी गिरावट जो है वो जारी रह सकती है। मैंने पहले भी बताया था कि कॉपर 660 से नीचे ब्रेक करता है तो 640 तक जा सकता है, और आज 640 का हमने लेवल देख लिया। अब यहाँ से 620 तक का आप टारगेट मान के चल सकते हैं, 600 से 620 तक नीचे अभी और लुढ़क सकता है। वहीं जिंक में भी जो लेवल्स दिए थे वो अचीव हुए हैं, और अब मुझे लगता है कि यहां से और ज्यादा नीचे 260 तक की एक बार गिरावट बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो बहरहाल अभी जो है डिमांड काफी इंपैक्ट होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से इनके ऊपर गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है, तो अभी ये लेवल्स जो है एक्सपेक्टेड है कि डाउनसाइड में देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी, अगर ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें तो आज इंट्राडे में किस कमोडिटी में आगे कारोबार करके चला जा सकता है? देखिए अभी तो फिलहाल सभी नॉन एग्री कमोडिटी में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में गिरावट है, बेस मेटल में अभी भी बिकवाली की जा सकती है शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे अभी नॉन एग्री कमोडिटी काफी पॉजिटिव लगती है। और अगर जिसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना हो तो वो वेट करें, नीचे में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं। अदरवाइज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आज बिकवाली करके क्रूड में और क्रूड के साथ साथ आज बेस मेटल में बिकवाली करके चला जा सकता है। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि नॉन एग्री कमोडिटी में क्रूड ऑयल में बिकवाली करके चला जा सकता है, आपको पॉजिटिव इस पे रुझान देखने को मिलेगा। यहाँ पे रूपा जी आप बनी रहिए, हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे आपसे एग्री कमोडिटी पे। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।